गगन में भी तू, तू ही आधार, तू ही आधार। संगत जी, प्रेम से कहना, सत्संगत आज आप सभी उपस्थित हुए हैं मुक्ति पर्व के अवसर पर, जो कि बरसों बरसों से मनाया जा रहा है और ऐतिहासिक पहलू से भी आप वाकिफ हैं और आज भी इस समागम में उसका जिक्र हुआ है कि किस प्रकार से जब देश की आज़ादी मनाई जा रही, इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था 1964 में, और उसी दिन जगत माता जी ने अपने इस नश्वर शरीर को त्यागा और तब से इस दिन को उस रूप में मनाया गया। और सितंबर 69 में जब 17 सितंबर को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अपने नश्वर शरीर को त्यागा, तो उसके बाद से 15 अगस्त को ही शहंशाह जगत माता दिवस मनाया जाता रहा। और फिर वो भी समय आया जब बाबा गुरबचन सिंह जी ने ये निर्णय लिया कि इस तरह से 15 अगस्त को मुक्ति पर्व के नाम पर इसको मनाया जाए। इसी रोज़ प्रधान लाभ सिंह जी ने भी अपने नश्वर शरीर को त्यागा था और अनेकों अनेकों बुजुर्गों को आज हम श्रद्धा से याद करते हैं जो इस मिशन की ऐसे आधार बने, जिनकी देन इतनी इस मिशन को आज के युग में इस प्रकार से स्थापित करने के लिए, जन जन तक ये सत्य का संदेश देने के लिए, जिन्होंने बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में जाकर, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में जाकर, जिन्होंने ये सत्य की लखता की और अपनी आत्मा को मुक्त किया, जीवन काल में ही जीवन मुक्ति को प्राप्त किया, उनको भी श्रद्धा से याद किया जाता है। और साथ ही साथ मुक्ति वाले पहलू को सामने रखा जाता है कि जहाँ पर आत्मा से, आत्मा को आवागमन के बंधन से मुक्ति की ज़रूरत है ताकि इस बंधन से निजात मिले, और साथ ही साथ अनेकों और ऐसे बंधन हैं जिसमें इंसान बंधा रहता है और वही बंधन दीवारों का रूप भी बन जाते हैं, दूरियां पैदा करने वाला का रूप भी बन जाते हैं। तो इस तरह से उससे भी मुक्ति प्राप्त करनी, जो समाज और इंसान के लिए हानिकारक रहा, जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने पुरजोर ये संदेश, ये पैगाम दिया, तो उससे मुक्ति हासिल करने के लिए जहाँ पर जाति पाति की मान्यताओं के कारण अहम अभिमान और घृणा और नफरत चलती चली आ रही, जहाँ पर मुक्ति की बात होती है तो नशे इत्यादियों से भी मुक्ति प्राप्त करनी, जिस नशे में चूर होकर कितना कुछ गंवा बैठते हैं, जिसके कारण हम अपनी इज्जत भी खोते हैं, घर के वातावरण को भी हम
कितना एक पीड़ित पीड़ाजनक बना देते हैं, तो उससे भी मुक्ति हासिल करने के लिए बाबा गुरबचन सिंह जी ने पुरजोर ये आवाज़ ये पैगाम दिया। अनेकों अनेकों ऐसे पहलू हैं जिनको हम विपरीत भावनाएं कहते हैं, उनसे मुक्ति हासिल करना अहम अभिमान में चूर हैं, अपने ओहदे अपनी पदवी का अभिमान या फिर किसी धन दौलत सामर्था का या फिर किसी विद्वता का अहम अभिमान, तो उससे भी मुक्ति हासिल करनी। इसी प्रकार से अनेकों अनेकों ऐसे पहलू हैं जो इंसान के लिए एक लाभ का कारण नहीं बने, जिसके कारण लोक और परलोक सवरा नहीं, तो ऐसे मुक्ति पर्व के अवसर पर इन तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली जाती है। और इसी प्रकार से कितने कितने महापुरुषों ने बुजुर्गों ने ये तमाम जो सफर तय किया, ऐसी ऐसी देन दी जिसके कारण ये मिशन रूपी इमारत के आधार बनकर इसके ऊपर इमारत खड़ी हुई। तो आज के दिन जहाँ पर उनको हम श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, जहाँ पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी जगत माता जी को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, जहाँ पर बाबा गुरबचन सिंह जी का तमाम जीवन और शरीर भी मानवता को समर्पित हो गया, वहाँ पर राजमाता जी को हम याद कर रहे हैं जिन्होंने तमाम जीवन अपना मानवता को समर्पित किया, समाज के उत्थान के लिए अपने योगदान दिए, घरों और गृहस्थियों को गृहस्थ निभाने की सीख दी, किस प्रकार से जो गुरमत के अनुसार जीवन जिया जाता है, वो गुरमत के सांचे में जो खुद इस कदर खूबसूरती से ढले हुए थे, और उनकी चाहत यही थी कि हर बच्चा बच्चा इसी गुरमत के सांचे में ढल जाए, ये किसी और सांचे में ना ढल जाए जो संसार वाला सांचा है, जिस सांचे में ढलकर हम कुरूपता को प्राप्त हो जाते हैं। उस सांचे में ढलने का मतलब वैसी प्रवृत्ति वैसी सोच बना लेनी। तो इस तरह से हरगिज़ वो भक्ति में गवारा नहीं है। तो इसलिए गुरमत का पाठ उन्होंने केवल शब्दों के द्वारा नहीं पढ़ाया, जीवन उनकी अपने आप में एक ऐसी किताब जो जीवन एक एक पल जिया गया, निम्रता सत्कार अदब क्या होता है ये उन्होंने खुद सिखाया। इतनी बड़ी उम्र में होकर अगर सालों के हिसाब से बरसों के हिसाब से हम कहते हैं 84 बरस की आयु उनको प्राप्त हुई, तो इतनी बड़ी उम्र में आकर भी छोटे बच्चे को भी अदब से, जवानों को भी अदब से, सत्कार भरे शब्द कभी भी ऐसा नहीं समय आया कि उस सत्कार भरे शब्द के अलावा कोई और लहजा रहा हो, किसी और ढंग से संबोधित किया हो। हालांकि उम्र के हिसाब से भी अक्सर बुजुर्गों को हक प्राप्त होता है, आखिर बुजुर्ग होते हैं उनको हक होता है, वो किसी तरह से दूसरों को संबोधित करते हैं, बच्चों को जवानों को, लेकिन उनमें एक ऐसी विशेष खूबी मिली कि उम्र के लिहाज से भी अगर देख लें तो तब भी भाषा वही अदब सत्कार वाली, वही जी लगाकर बुलाना, कोई भी हो कहीं से भी आया हो। तो इस तरह की मिसालें जो कायम हुई हैं ये हमारे समय में हुई हैं, कोई हजारों बरस पहले की बात नहीं,
सदियों पहले की बात नहीं हो रही है, इसी वर्तमान के दौर में देखा है। वो भी बुजुर्ग आज यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने देश के विभाजन से पहले, जब शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी या बाबा गुरबचन सिंह जी या बाबा बूटा सिंह जी, उस तरह से ऐतिहासिक पहलू के बारे में जो जिक्र किए, तो उन्होंने भी देखा कि तब से उस उम्र से लेकर जहाँ पर दाद तो छोटी उम्र में प्राप्त कर ली ज्ञान की, लेकिन उसके बाद से जब से ये नाता जुड़ा सामाजिक रूप में, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के घर बाबा गुरबचन सिंह जी से नाता जुड़ा, तो तब से लेकर हिंदुस्तान में जब आना हुआ, लगातार ये कितने दशक ये आंखों से देखे गए हैं, कितनों ने देखे हैं, हजारों ने देखे हैं कि एक सहजी चाल रही, एक वही एक भाव रहे, वहीं पर सत्कार का भाव रहा, वहीं सत्संग में जाने, हर जगह पर पहुंचने के उत्साह रहे। चाहे उम्र बढ़ती चली गई लेकिन वो उत्साह कम ना हुए। और इसी तरह से साध संगत को जहाँ पर निहाल करते रहे अपनी वाणी अपने वचनों के द्वारा, जहाँ पर गीत गाकर भी, जहाँ पर कविता के रूप में कवि सम्मेलनों में इस प्रकार से उन्होंने मानवता इंसानियत प्यार निम्रता सादगी और गुरमत को इस खूबी से सबके समक्ष रखा। गीत आज उनके भी हम किस कदर गुनगुनाते हैं, जो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है। आंध्रा में चले जाएं, बंगाल में चले जाएं, कोई भी वो हिंदी पंजाबी भाषा जानने वाले नहीं, लेकिन वो राजमाता जी के गीत उसी तरह से गा रहे होते हैं। और राजमाता जी की याद के तहत किस तरह से वो महसूसियत करते हैं। अभी हाल ही में विश्व की यात्रा हुई, जो अमेरिका कनाडा और यूरोप जाने का मौका मिला, और वहाँ पर भी इसी तरह से वो तमाम यादें वो ताज़ा गुरमुखों के मनों में हैं। और हर कोई यही बयान दे रहा है कि ऐसा जो प्रभाव उन्होंने छोड़ा है हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर दिमाग से काम भी लेते हैं सोचते हैं तो कोई नज़र ही नहीं आता इससे हटकर, जैसा प्रभाव उन्होंने छोड़ा है, जैसी उन्होंने प्यार और दुलार दिया और सबको वही सलीका प्रदान करने के लिए हमेशा योगदान दिए, तो वो भी ऐसी भीनी यादों को अपने हृदयों में संजोए हुए अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे थे। तो आज भी यहाँ पर कितने कितनों ने अपने भाव रखे, जहाँ पर राजमाता जी की शिक्षाओं को इस तरह से दोहराया जा रहा था, किस तरह से तप त्याग की भट्टी में से गुजरते हुए शरीर से ऊपर उठकर सत्संग को सेवा को इस निराकार के सुमरण को हमेशा महत्व दिया, सामाजिक जिम्मेदारी पारिवारिक जिम्मेदारी को जिस खूबी से उन्होंने निभाया वो सब एक देखने को मिला है। और उस रूप में भी उन्होंने मार्ग प्रदर्शन किए कि समाज में भी किस तरह से विचरण किया जाता है। अगर माँ का रूप है, अगर पत्नी का रूप है, अगर सास का रूप है, बेटी का रूप है, किस तरह से वो सारे ही रूप उन्होंने किस प्रकार से पेश किए, तो ऐसे ही एक प्रेरणा हर किसी को प्राप्त हो और उसी से प्रेरित होकर सारे अपने इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। कैसे कैसे समय आए, कैसे कैसे वातावरण बने, लेकिन उनका
जज्बा और उत्साह और उनकी निराकार के ऊपर अटूट अकीदा और विश्वास जो था वो हर पहलू में वो कायम देखने को मिला और कमज़ोर दिलों को भी मजबूतियां मिली उनकी ऐसी अकीदे और विश्वास को देखकर। कितने कितने कमज़ोर हृदय जो कहीं पर भी लड़खड़ा सकते थे तो उनके परिपक्व विश्वास और जो अकीदा है उसी के कारण कितनों को सहारा मिला। जहाँ पर दुलार और ममता की छाया हर किसी को मिली वहाँ पर इस रूप में भी कैसे कैसे एक जीवन को एक सहज बनाने के लिए जीवन की चाल को सहज बनाने के लिए वो एक मार्गदर्शक बने अपनी ही मिसाल खुद बनकर अपने जीवन के द्वारा अपनी वाणी के द्वारा अपनी निम्रता के द्वारा अपने अकीदे विश्वास के द्वारा अपने सुंदर व्यवहार के द्वारा। इस प्रकार से एक यही प्रार्थना बनती है कि दातार कृपा करे कि उन जैसा सलीका आ जाए। किस तरह से उदास और मायूस भी होते थे और वो कोई निजी कारण के से नहीं, शरीर तो कई दफ़ा शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी के समय में भी इस कदर इतनी तबीयत खराब हो चुकी थी कि जैसे डॉक्टर जवाब दे देते हैं, और किस तरह से समय समय के ऊपर कुछ कॉम्प्लिकेशंस शरीर में आती रही, लेकिन उन्होंने किसी भी कॉम्प्लिकेशन का प्रभाव ग्रहण नहीं किया। और जैसे आज भी जिक्र हो रहा था कि अगर कुछ थोड़ा भी बीमार है या अधिक भी बुखार है तो सत्संग से अगर उनको कहा जा गया कि आराम कर लिया जाए, लेकिन एक ही बात होती थी कि वहाँ जाती हूँ संगत में, संगत के दर्शन होते हैं, निराकार का गुणगान सुनने करने को मिलता है तो मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाती है। और वाकई ऐसा देखा गया, कमरे से निकले कितनी कमज़ोरी, यहाँ सत्संग में आए और वापस लौटे और वहाँ पर कितने तरोताज़ा, और कहते थे कि मैं कहती नहीं थी वहाँ जाकर ठीक हो जाऊँगी, देखो ठीक हो गई हूँ। तो इस तरह से उनका इतना संगत के प्रति लगाव और उत्साह कि कहीं पर भी कदम अपने रुकने नहीं दिए हैं। हमें भी मजबूरियाँ, उनको भी मजबूरियाँ। अगर सेहत की बात कर लें तो किस तरह से वो भी हमारे लिए प्रेरणादायक बने कि कुछ भी हो लेकिन ये कदम ना रुकने पाए, सत्संग से कभी पीछे हटने ना पाए, किसी के विश्वास को कमज़ोर ना किया जाए, किसी को भ्रम और भरम में डाला ना जाए, किसी के दिल को दुखाया ना जाए। जो जो जिम्मेदारियां मिलती हैं, जो जिम्मेदारियां जिनको दी गई हैं उसके कारण वो अहम में ना आ जाएं कि हम कहीं बड़े हो गए हैं। और वो यही हमेशा कहते थे कि ये आपके ऊपर कृपा हुई है कि आपको सेवा के मौके मिले हैं, कभी भी भूल के इसमें कर्ता भाव ना ले आना, कभी भी भूल कर संगत का सत्कार अपने दिल से ना निकाल देना और उनसे बदसलूकी ना कर बैठना। ये जिनको प्रबंध के ढांचे में लिया गया उनको भी इसी तरह से शिक्षाएं दिया करते थे। तो अवसाद संगत कितने विनम्रता के पुंज, यह आपने देखा आज भी एग्जीबिशन जो लगी हुई है उसमें भी वो दृश्य, अभी भी आपने इस डॉक्यूमेंट्री में भी देखा कि किस तरह से पूर्ण रूप में ज़मीन पर बैठकर अपना माथा रखा हुआ चरणों में। तो दास जब भी वो ऐसे नमस्कार करते थे तो दास को यही महसूस होता था कि ये कितने ऊंचे हैं, और ऐसी ऊंचाई जो उनमें है कि किस प्रकार से कोई उम्र का तकाजा नहीं है,
पूर्ण गुरमत ही गुरमत, केवल भक्ति ही भक्ति, वो उनके जहन दिलो दिमाग रोम रोम में बसी हुई है, जिसके कारण वो इस प्रकार से पूर्ण रूप में झुककर नमस्कार करते हैं। और जैसे दास ने पिछली बार भी कहा, जो एक साल करीब होने जा रहा है, जबकि 29 अगस्त पिछले बरस उन्होंने ये शरीर रूप में हमारा साथ छोड़ा था, तो इस प्रकार से उस वक़्त भी दास ने यही कहा कि हमेशा दास उनको यही कहता था कि आप आशीर्वाद दो, इस प्रकार से आप नमस्कार करते हैं, तो वो यही कहते थे कि मैं गुरसिख हूँ, मेरे से ये हक क्यों छीना जाए, तो मैंने तो ये नमस्कार करनी है। और दास झुकता उनके कदमों की तरफ तो हाथ पकड़ कर अपने सिर पर रख देते थे। तो इस प्रकार से चारों तरफ नज़र घुमा कर देख लें, कोई मिसाल मिलेगी ऐसी? कहीं पर नहीं मिलेगी। ऐसा एक जीवन ऊंचा, ये वास्तविकता में ये शब्दों के दायरे में कभी नहीं आ सकता है, ये वास्तविकता में शब्दों से भी कहीं परे की बात है। जैसे निराकार के प्रति हम कहते हैं कि निराकार भी शब्दों से परे की बात है, मन बुद्धि ते अकलों बारे तैनू लख प्रणाम करा, जो शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी की वाणी में हम पढ़ते सुनते हैं, तो वहाँ पर भी यही एक महसूस होता है कि उनका जीवन ऐसा है कि सारे कद बहुत नीचे रह जाते हैं उस ऊंचे कद के सामने, और वो कद हमेशा ही इसी तरह से ऊंचा रहेगा, और वही रोशन मीनार की तरह जीवन में सबके रोशनी लाते रहेंगे। तो आज इस मुक्ति पर्व के अवसर पर यही दास सरदास प्रार्थना करता है कि दातार कृपा करें कि उनके जीवन का अनुकरण अनुसरण कर पाएं, जैसे विशाल हृदय उनका था, जैसे क्षमाशीलता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, जिस तरह से वो दूसरे के अवगुणों को ढांकते थे, अपने दामन में ले लेते थे, इसी तरह से गुरसिख भी सीख जाएं उस प्रकार की क्षमाशीलता, छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय विशाल हृदयों के प्रमाण दें, और इस प्रकार से गुरसिख गुरसिख का आदर सत्कार करें, और इस प्रकार से अपने जीवन के म्यार को ऊंचा करें। तो ऐसी जो उनके जीवन से प्रेरणाएं मिल रही हैं, इसी तरह से हम प्रेरित होते रहें, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, जवान हैं बुजुर्ग हैं, बहन माता का रूप है या कोई पुरुष का रूप है, कोई भी रूप में है, सेवा दल के जवान अधिकारियों के रूप में है, प्रबंधकों के रूप में है, हर कोई इसी गुरमत के अनुसार अपने जीवन के सफ़र को ये तय करता चला जाए। ऐसी ही अरदास, ऐसी ही प्रार्थना की जाती है। और किस प्रकार से उनको शहनशाह जी के वरदान प्राप्त थे, ये पिछली बार भी जिक्र हुआ, आज भी उसका जिक्र हुआ कि किस तरह से शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी का पूरा वरद हस्त उनके सर के ऊपर था, जहाँ से उनको ये ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हुई। और दास ने पिछली बार भी जिक्र किया कुछ पंक्तियाँ जो शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अपने विचार में जो कहीं, तो अभी दास का ऐसा ही ध्यान आया कि वो विचार का वंश दास पढ़ के आपके समक्ष रखे। उन्होंने कहा, पहले जगत माता सन, पहले उन्हों का नाम लेंदे सी, हुण ओ राज माता जी दे हवाले कर गए हन, हुण उन्हों का कम राज माता ने संभाल लिया है, अज वो वाकई ही तुहाडे कम कर रही है, राज माता बच्चे बच्चे नू प्यार कर रही है, तुहाडे कम सिद्ध कर रही है, तुहानू रब दी तरफ लगांदी है, तुहानू माला माल भी करदी है, वाकई ही जो कुछ मंगदी है
दुनिया नूं देण वास्ते मंगदी है। जिवें ओह गांदे हन, नचांगी ते गावांगी अज तेरे सामने, खुशियां मनावांगी अज तेरे सामने, ते दुनिया दे सारे सुख पा दे मेरी झोली विच। फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच साध संगत, ओह तां तुहानूं देण वास्ते ही सुख मंगदी है। इस लई कहिंदी है कि मैं नहीं ओ चुप रहना, मैनूं कदी लोड़ गई। कहिंदी है कि मैं तां चुप नहीं रहना, मैं तां लैणा है दुनिया वास्ते। वाकई साध संगत, उसने अपने लई की मंगना है, उसनूं किस चीज़ की कमी है? पर वो तां जगत नूं सुखी करन लई मंगदी है। साध संगत विच ये जोड़ा तुहानूं दिखा दिता है, जो ये जो जिहड़ा तुहानूं दिखा दिता है, मैं तो अपना फर्ज पूरा कर दिता है। मैथों हुण पूरा बोलिया भी नहीं जांदा, पर संगत फिर भी बुला लैंदी है। हुण ये सारा काम जिहड़ा मैं अपना समझदा सी, बाबा गुरबचन सिंह जी ने संभाल लिया है। ये मेरे तो वध के हन, इन्हां ने पूरे गुरु वाला काम संभाल लिया है, ते माता वाला काम राजमाता ने संभाल लिया है। मैं तो हुण आराम ही करना है, मैं तो बस हुण आराम नाल लेटिया रहा, बस एक दो आदमी नाल रहण। साध संगत, मैं फर्ज अपना पूरा कर दिता है। तो अब साध संगत, किस तरह से शहनशाह बाबा तार सिंह जी के मन में उनके प्रति ऐसा एक ऊंचा स्थान था, ऐसा विश्वास शहनशाह जी के ऊपर उनका कायम हुआ था, और जिसकी बदौलत उन्होंने ये अपने आशीर्वाद और ये वरदान प्रदान किए, ऐसी शक्ति प्रदान की जिसके कारण तमाम उम्र राजमाता जी साध संगत को आशीर्वाद देती रहीं, कितनों के कार्य सिद्ध होते रहे, कितनों की गृहस्थियाँ बसती रहीं, और किस तरह से सेवादारों को भी उनके काम आने वाली जो जज्बे भावनाएं, वो भी लगातार आखिरी सांसों तक वो निभाते रहे। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे ज़्यादा चाहेगा साध संगत जी, धन्य। तेरी ओट सहारा, तेरा तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरे बख्शनहार तू है, दाता बख्शनहार, अब गुण नाचतार मेरे, अब गुण नाचतार, अब गुण नाचतार मेरे, अब गुण नाचतार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, संसार, रूप है संसार,
सत्कार करा मैं संतां दा सत्कार संतां दा सत्कार करा मैं संतां दा सत्कार तू ही निरंकार 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 तू